हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानलोक आर्ट एंड क्राफ्ट। फ्रेंड्स, आज सीरीज का दूसरा दिन है और आज हम ब्रश चलाना थोड़ा सीख चुके हैं। सो आज एक बहुत ही आसान और सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत से इम्पोर्टेंट बातें भी शेयर करती हूँ। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और बन जाइए मेरे इस प्यारे से ज्ञानलोक फैमिली का एक प्यारा सा सदस्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टड्डी बियर। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो आप एक खूबसूरत सा बेडशीट उसके लिए बना सकते हैं। मैंने भी बनाया था अपने दी के लड़के के लिए, उसे वो बेडशीट बहुत ही पसंद था। इसके कान को बनाने के लिए मैंने यहाँ ब्लैक कलर का यूज किया है। सबसे पहले आउटलाइन बना लेंगे ताकि हमारा पेंट जो है इधर उधर बाहर ना निकले। उसके बाद बीच वाले भाग को फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हम कौन सा ब्रश यूज करें। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप वही ब्रश यूज कीजिए जो आप आसानी से चला सकें। यदि आप बिगनर हैं तो आप पतला ही ब्रश यूज कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 04 साइज का ब्रश यूज किया है। तो आप बिगनर हैं तो आप पेन ब्रश लीजिए 04 साइज का। इसे आप आसानी से चला सकते हैं क्योंकि ये पतला होता है। और हाँ, यदि आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसमें मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जो कि एक बिगनर को पता होनी चाहिए। सो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। आउटलाइन करते समय थोड़ा सावधानी बरतेंगे ताकि हमारा पेंट इधर उधर बाहर ना निकले। सो गाइस, जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक कलर का यूज करना था मैं कर चुकी हूँ। अब बीच वाला पार्ट बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए पिंक कलर, बट मेरे पास पिंक कलर है नहीं। सो मैं पिंक कलर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने दो कलर लिया है, एक रेड और एक वाइट। तो मैं वाइट कलर में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके पिंक कलर बनाऊंगी, यानी कि ज़्यादा वाइट कलर और थोड़ा सा रेड कलर लेकर पिंक कलर बना लूँगी। जैसे देखिए, तो अब हमारा ये पिंक कलर तैयार है। तो चलिए बनाते हैं। फिल करने के बाद दोनों किनारे पे थोड़ा थोड़ा रेड कलर यूज करेंगे और उसे मिक्स कर देंगे। जैसे देखिए, और नीचे भी थोड़ा सा रेड कलर यूज करके और मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसका सूज बनाएंगे और सूज बनाने के लिए येलो कलर का यूज करेंगे इस प्रकार से। और नीचे थोड़ा सा ऑरेंज कलर का यूज करेंगे और मिक्स कर देंगे।
यदि आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है तो आप इसे बना भी सकते हैं। आप येलो कलर में थोड़ा सा रेड कलर यूज कर लीजिए, और भी इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें ग्रीन कलर थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स, यदि आपके पास कुछ बेसिक कलर है तो आप दुनिया के हर कलर बना सकते हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है कलर चार्ट का। अगर आपको कलर बनाने में परेशानी हो रही हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम इसका फेस बनाएंगे, और फेस के लिए मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा जो कलर बनाए हुए थे उसको ऐड किया है और मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सावधानी बरतेंगे, और यदि आप पूरे फेस को फिल करने के बाद इसका मुंह और आंख बनाएंगे तो वो और भी बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पहले ही बना दिया है, आप कोशिश कीजिए कि बाद में ही बनाएं। पूरे फेस को फिल करने के बाद किनारे पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर जो बनाए थे उसको ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे। और ऑरेंज कलर से ही नीचे वाला जो लिप्स है उसको बनाएंगे। हाथ को वाइट कलर से फिल करके और किनारे पे थोड़ा ऑरेंज कलर भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। और अब ब्लैक कलर में थोड़ा सा वाइट कलर ऐड करके मिक्स कर देंगे और उससे आउटलाइन बना लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा टेडी बियर तैयार है। आप इस डिज़ाइन को बच्चों के लिए बेडशीट पे बना सकते हैं, या बच्चों के जो रूम है उसके पर्दे पे भी बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमारे वीडियोज़ को देखकर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।